पे हैं, और लेकिन यात्रा को लेकर बीजेपी में बेचैनी है। बीजेपी करेगी ये समाधान यात्रा नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स के जो है वो एक तरह से ब्यूरोक्रेट्स की यात्रा है। बीजेपी को हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जाने की, यात्रा करने की। वो जानती है कि जनता उनसे हिसाब पूछेगी कि डबल इंजन सरकार का नारा देकर वो सत्ता में रही, क्या फ़ायदा हुआ बिहार को ये बताएं। एक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं दिला पाए, अब बीजेपी किस मुंह से यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। है हिम्मत तो बीजेपी जाए, निकले यात्रा पर तो पता चल जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पहले भी कई यात्रा किए हैं और इस बार भी समाधान यात्रा पर निकले हैं, और इसमें लोगों से मिलेंगे, जनता के बीच उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और जो सरकार की योजना है वो धरातल पर किस तरह कार्य प्रगति पर है ये सब देखेंगे। तो ये अच्छी बात है, जनता के पास जा रहे हैं। ये भी करेगी कोई मंत्री विधायक या कोई भी जनता को नहीं, सारे लोग ये, इसलिए तो जनता से न कनेक्ट हो रहे हैं। ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी क्या जानेगी जनता के पास जाकर के किस तरह उनकी समस्याओं को सुना जाता है, समाधान किया जाता है। ये तो ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स करने वाली बीजेपी पार्टी है, इनको सिर्फ जुमलेबाजी और झूठे नारों से वोट लेना है, ये सब नहीं चलने वाला है। राम मंदिर को लेकर जो है जो तारीखें तय लगभग हुई है, क्या लगता है? राम मंदिर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके हैं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हैं, सबके आस्था राम के प्रति सबकी है। ये बीजेपी जो राम को अपना बना रही है, इस पर भगवान राम पर भी कमल छाप मुहर लगाना चाहती है, ये कतई संभव नहीं है। राम राज लाने के लिए भगवान राम ने सत्ता दे दी, लेकिन राम राज नहीं ला सके। जो राज इन्होंने देश में चलाया है, अब भगवान राम भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। 24 में विदाई होगी, अब भगवान राम का नाम अंतिम समय में भी लिया जाता है, तो वही अब कर रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी और बीजेपी के लोग। वंदे मातरम को लेकर ममता बनर्जी, मातरम जो एक्सप्रेस ट्रेन में पत्थरबाजी हुई है उसको लेकर के ममता दीदी ने जो बयान दिया है, वो गलत फहमी में किसी ने गलत फीडबैक उनको दिया होगा। सब लोगों को पता है कि सब लोग बिहारियों को, बिहारी बिहार को बदनाम कर देते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह पता है कि बिहार के लोग ये नहीं करते। और ममता दीदी को तो बिहारी से, बिहारियों से बहुत लगाव रहा है, और जानते हैं कि बिहारी किस तरह मेहनत कश होते हैं। बिहार के लोग इस तरह काम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ उन्मादी लोग जो भाजपा के इसमें हैं, अब हो सकता है कि अगर जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तभी इस पर कोई बयान दिया जाना चाहिए। नहीं, बिहार पे उन्होंने किस संदर्भ में कहा है ये नहीं पता, लेकिन हमें पूरी अच्छी तरह पता है कि ममता दीदी बिहार के और बिहारियों को इस तरह की नज़रिए से नहीं देखते हैं, वो बिहार और बिहारियों से काफ़ी लगाव और स्नेह रखते हैं।